ऑल इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ताज नगरी आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज संपन्न हुई। नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को आगरा पुलिस प्रशासन सुबह से ही अलर्ट दिखाई दिया। ब्लैक कमांडो के साथ भारी पुलिस बल शाही जामा मस्जिद से लेकर शहर भर की मस्जिदों में तैनात रहा। SSP आगरा ने बताया कि मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हुई वार्ता सफल रही है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और सब लोग अपने अमन चैन से अपने घर को जा रहे हैं और हमें यही संदेश देना था कि जो चंद खुरापाती लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, बेमस्ता फैलाना चाहते हैं, उनके बहकावे में कोई ना आए और अपना शांति के साथ अपनी नमाज अदा करें, घर जाएं। सभी लोग अपने घर आराम से जा रहे हैं नमाज अदा करने के बाद। 2:45 बजे लास्ट नमाज होगी इस शहर की, तब तक पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहेगी और उसके बाद पुलिस विभिन्न एरियाज जो हैं ज्वाइंट जो मिक्स एरियाज हैं उनमें फुट पेट्रोलिंग करेगी। अलीगढ़ में डबल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से अग्निपथ योजना के विरोध में प्रचार शुरू हो गया है। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। 4 ट्रकों में सवार होकर लाठी डंडे सरिया लेकर पत्थरों से लैस होकर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जट्टारी पेट्रोल पंप के निकट DMSP को घेर कर दौड़ाया है। चेयरमैन की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी मीडिया को भी कवरेज करने से रोकते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, फायरिंग की है। घटना में अब तक SP ट्रैफिक CO सहित आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। कई विभिन्न जगहों पर कुछ लोगों द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन मुख्यतः जोन में मथुरा और अलीगढ़ जिले में किया गया। ये विरोध प्रदर्शन कई जगह पर हुआ लेकिन सभी जगह पर हमारे अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए और जो विरोधकर्ता थे, जो छात्र थे, उनके साथ में लगातार संवाद बनाए रखा। यही नतीजा था कि लगभग सभी जगहों पर छात्रों ने अधिकारियों की बात समझते हुए वो लोग वापस गए। यहाँ पर जट्टारी में थाना अलीगढ़ जनपद अलीगढ़ में इन छात्रों के साथ में कुछ उपद्रवी तत्व भी मिल गए। इन उपद्रवी तत्वों ने सवेरे पहले इंदौर में आगजनी की और जब बल प्रयोग किया तो तितर-बितर हो गए। अभी भी ये उपद्रवी तत्व कुछ गलियों में ऐसी जगह पर हैं यहाँ पर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। अमेठी में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। नामजद FIR दर्ज करने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। परिजनों ने सागर रोड का जाम कर दिया। अमेठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। रोडवेज के ड्राइवर ने बताया है कि 100-100 के आसपास प्रदर्शनकारी रोडवेज बसों को रास्ते में रोक रहे हैं और आग लगा रहे हैं। बस में 50 सवारियां बैठी हुई थी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने काबू पाया सवारियों को, उतारकर प्रदर्शनकारियों पुलिस पथराव। इसी दौरान कई पुलिसकर्मी के चोटें भी आई हैं। मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत प्रदर्शनकारी लगातार बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं। मुरादाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज संपन्न हुई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज संपन्न हुई। ड्रोन की निगरानी में जुमे की नमाज संपन्न हुई है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहां पर नमाज अदा की गई। मुरादाबाद के मुगलापुरा थाना क्षेत्र से जामा मस्जिद पर नमाज संपन्न हुई है। प्रशासन ने राहत की सांस ली। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर भवाली अरबोड़ा मार्ग पर कैची धाम नीम करौली महाराज मंदिर, जहां हजारों की संख्या में 15 जून को विशाल मेला लगा हुआ था तथा नीम करौली महाराज के दर्जनों को जो भक्त थे वो यहां पहुंचे थे,
काफी संख्या में भीड़ लगी हुई थी और भक्तों ने मालपुआ का प्रसाद भी ग्रहण किया था। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सरोवर नगरी नैनीताल राजभवन कैचीधाम पहुंचकर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए। राज्यपाल उनके परिजनों ने कैचीधाम मंदिर में बने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। पौड़ी जिले के धूमाकोट मार्ग पर हल्दुखाल के समीप एक पिकअप वाहन खाई में जा गिरा। वाहन में दो लोग सवार थे, एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हल्दुखाल से पिकअप वाहन अमटा होते हुए मिरवाड़ी जा रहा था। मिरवाड़ी से पहले ही अनियंत्रित होकर 100 मीटर खाई में जा गिरा, जिसमें 15 वर्षीय सुनील पुत्र श्यामलाल ग्राम खुनकंडा मल्ला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव के बाहर कुछ दूरी पर खेतों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से एक मजदूर बाल बाल बच गया है। ग्राम प्रधान विशेष कुमार ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है व मुश्किल आग पर काबू पाया। थाना जहानाबाद इलाके के बार नवादा गांव का ही पूरा मामला। पुरनपुर खुटार हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। धान से भरी ट्रॉली में तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार ने जोरदार टक्कर मारने के बाद ही हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचे, तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के शवों का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सेहरा मोहतरी इलाके के गढ़वा खौड़ी चौकी क्षेत्र के पास ये पूरी घटना हुई है। अटाला एरिया की बेटियों ने एसएसपी समेत समस्त पुलिस बल का इस्तकबाल किया है। चिलचिलाती गर्मी और धूप में पीने का पानी दिया गया। एसएसपी ने शुक्रिया अदा किया है, बेटियों को शाबाशी दी है, दुआएं दी है। पिछले जुम्मे को जिस अटाला एरिया में ईंट पत्थर चले थे, उसी अटाला एरिया में दो सगी बहनों ने, सारा और हलीमा ने, पुलिस बलों को पीने के लिए ठंडा पानी पेश किया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने सरकारी एजेंसियों पर राहुल गांधी को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने ऋषिकेश में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है, जिसमें केंद्र सरकार पर भी सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से नेशनल हेराल्ड मामले में हस्तक्षेप कर राहुल गांधी को बेवजह परेशानी से बचाने की मांग की है। मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा बदले की भावना को लेकर काम कर रही है। यदि कांग्रेसियों को बेवजह परेशान करना बंद नहीं किया गया तो कांग्रेसी आम जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे। तीर्थ नगरी में पर्यटकों को परोसने के लिए 18 पेटी शराब पुलिस ने पकड़ ली है। तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल कार भी पुलिस ने सीज कर दी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को संबंधित धाराओं में मुकदमा करने के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। ऊधम सिंह नगर एसएसपी ने वीडियो संदेश के माध्यम से जिले के युवाओं से अपील की है। वीडियो में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा है कि युवा किसी के भड़कावे में आकर हिंसक प्रदर्शन ना करें। यदि कोई विरोध या प्रदर्शन करना चाहता है तो प्रशासन और पुलिस से पूर्व अनुमति लेकर चिन्हित स्थलों पर शांतिपूर्वक और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरित प्राण ट्रस्ट और आयुष्मान भव्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नगर निगम के सहयोग से 1001 पौधे लगाने के अभियान के नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने चिकलाना रोड पर पौधारोपण की शुरुआत की है और इस अभियान की शुरुआत करते हुए पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर दोनों संस्थाओं द्वारा नगर आयुक्त का पटका पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया गया। सहारनपुर में अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष और विपक्ष के प्रति अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर देश के विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, सीबीआई आदि का दुरुपयोग करते हुए देश में विपक्ष की आवाज को दबाने का घिनौना कार्य कर रही है। वहीं विश्व के सबसे बड़े भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए यह एक बड़ा खतरा है। संपूर्ण प्रदेश में ईडी का जो दुरुपयोग
केंद्र सरकार कर रही है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रत्येक जिले में कांग्रेस द्वारा ये ज्ञापन देने का महामहिम राष्ट्रपति जी को कि ऐसी सरकार जो लगातार जब से केंद्र में आई है वो चाहे CBI हो चाहे ED हो उनका दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार दमन करने का काम और विपक्ष को ख़त्म करने का काम, विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। विपक्ष में क्योंकि मुख्य रूप से कांग्रेस ही लड़ाई लड़ती है, न्याय की लड़ाई लड़ती है, तो कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है। संपूर्ण प्रदेश में ED का जो दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रत्येक जिले में कांग्रेस द्वारा ये ज्ञापन देने का महामहिम राष्ट्रपति जी को कि ऐसी सरकार जो लगातार जब से केंद्र में आई है वो चाहे CBI हो चाहे ED हो। साइबर ठग अन्य तरीके से ठगी तो कर ही रहे थे, वहीं अब राज्य और केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं पर भी साइबर ठगों का ठगी का सिलसिला जारी हो चुका है। सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ और उसके लाभार्थी को टारगेट कर खातों से पैसे ठगे जा रहे हैं। वहीं जनपद श्रावस्ती के कोना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर साइबर ठगों के द्वारा एक आशा बहू को झांसे मिलाकर लाभार्थी को फोन कर आधार कार्ड और खाता नंबर लिया, जिसके बाद लाभार्थी के खाते से 5,000 रुपये गायब हो गए। पीड़ित थाना एकौना पहुंचकर अपने पैसे वापस दिलाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्याय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नगर पालिका परिषद बाराहाट के सभागार में पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। जिलाधिकारी श्री अभिषेक रोहिला और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश तिम्बाल द्वारा संयुक्त रूप से पुस्तक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज ऑल इंडिया के साथ। न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष, प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को।